मैं कि सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज टुडे। इस वक्त मैं एक वीडियो के बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। बिहार का एक छोटा सा बच्चा, मात्र लगभग 10 या 12 साल उसकी उम्र रही होगी, और उस बच्चे ने मीडिया वाले को ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं जिससे मीडिया वाला खुद दंग रह गया है। आइए मैं सबसे पहले आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इस तरह से ये बच्चा भगवान के अस्तित्व को नकार रहा है और कह रहा है कि हम अगर मेहनत करते हैं तो हमारे पेट में अन्न जाता है, हम पढ़ते लिखते हैं तो हमें नौकरी मिलती है, इसमें भगवान का कोई भी हाथ नहीं होता है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आप लोगों को बताते हैं। मंदिर से सिर्फ भिखारी बढ़ेंगे, अगर स्कूल बनता वही कोई विद्यालय बनता तो वैज्ञानिक बढ़ते। भगवान नौकरी देता है, भगवान शिक्षा देता है, बाबा नौकरी नहीं दिए, पढ़ेंगे तभी तो नौकरी मिलेगा, हमें नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। घर घर में मंदिर होगा तो विकास होगा, आशीर्वाद होगा, कल्याण होगा सब। सर आशीर्वाद कौन, आशीर्वाद हमको तो नहीं दे रहा है भगवान, आशीर्वाद। मंदिर नहीं जाते, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं आप? पढ़े हैं जी? पढ़े हैं। आप क्या बनेंगे बड़े होके? सर आईएएस। यूपीएससी की तैयारी करेंगे। यूपीएससी की तैयारी करेंगे? फिर आईएएस बनके क्या करेंगे? आईएएस बनके समाज सेवा करेंगे, और क्या करेंगे। जरूरी है मंदिर, जरूरी है विद्यालय, जरूरी है। सारे देश तो सुबह सुबह लोटा लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दो, सूर्य देव को जल चढ़ा। हम नहीं जाते ना, वो बेवकूफ है ना सर। नहीं भैया ऐसा नहीं बोलते, मनोकामना पूरी हम तो नहीं चढ़ाते सर, हम अपने गुरु को पूछते हैं, अपने मम्मी पापा को पूछते हैं, माँ बाप को पूछते हैं, हम तो नहीं चढ़ाते हैं जल। हम भी क्यों नहीं, हमको तो कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं। आईएएस आईपीएस और यूपीएससी की तैयारी कैसे कर पाएंगे जब तक आप मंदिर नहीं जाएंगे? तो सर हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम अपने माँ बाप से अब स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे तब कि भगवान हमको ज्ञान ला कर देंगे। उम्र है आप भगवान? हमको सर 13 साल। 13 साल में इतना ज्ञान का है ले लिए भैया? सर स्कूल गए तब से ले लिए ना। अच्छा, मंदिर जाते तो क्या हो जाते? मंदिर जाते तो हम वही फिर मांगना पड़ता हमको, भैया दे दो हमको, इधर दे दो भैया, 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, यही मांगना पड़ता। कहते मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, उनको फोन किए होंगे, हमको तो नहीं किया, हमको तो और सबको तो नहीं बुला रही हैं। अच्छा, उन्हीं को बुलाती हैं, हमको तो नहीं बुला रही, बहन कुमारी को नहीं बुला रही हैं। अच्छा, हमको उन्हीं को बुला रही हैं। मंदिर नहीं जा रहे भैया? नहीं है, मैं तो नहीं जा रहा। क्यों नहीं जाते? वैसे ही नहीं जाता, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं मंदिर में तो जाकर क्या करेंगे, जितना मंदिर में टाइम वेस्ट करेंगे उतना स्कूल में करेंगे तो कुछ और पढ़ेंगे। अच्छा, जो हमारे साथ है वो नहीं जाएंगे मंदिर। अच्छा, तो हाँ। तुम्हारे यार दोस्त जाते हैं मंदिर? नहीं, वो नहीं जाते। नहीं, हमारे गाँव का और हमारे एरिया का कोई नहीं जाता है मंदिर, आपको हमारे गाँव में मंदिर भी नहीं मिलेगा। कौन सी जाति से आते हैं? हम सब चमार हैं। चमार हो? इतना छीना ठोक के बोलते हो? छीना ठोक के बोलते हैं चमार। अरे डरते नहीं छोटे से बच्चे? नहीं डरते, बाबा साहब ने संविधान लिखा है, हमें आरक्षण दिया है, तब हम बोल पा रहे हैं जी। आप बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी तो पूजते हैं, तो फिर मंदिर में काहे नहीं पूजते भैया? क्यों पूजे सर, मगर बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है, संविधान लिखा है, भगवान ने हमारे लिए किया, किया कि हम करें उनके लिए। राम का फोटो एक साथ, बाबा साहब का फोटो? नहीं, राम का नहीं दिया हमको, कोई दिया नहीं हमको, राम ने कुछ नहीं दिया है। अच्छा, हाँ हमको तो नहीं दिया कुछ, हमको जो भी दिया है बाबा साहब ने दिया है, जो कुछ भी दिया है सब बाबा साहब ने दिया है। नहीं किसी को, भोलेनाथ को मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते। हनुमान जी को तो मानते होंगे? किसी को भी नहीं। सरस्वती माता? किसी को नहीं। शेरा वाली? सिर्फ हम ज्ञान, कलकत्ते वाली, गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान बस, सिर्फ गुरु ज्ञान, माता पिता की सेवा, गुरु ज्ञान बस, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब, और किसी को मानना नहीं है? नहीं किसी को नहीं। आईएएस आईपीएस यूपीएस बन गए तो क्या करेंगे यूपीएससी की तैयारी करके भैया? यूपीएससी की तैयारी सर, आईएएस बनेंगे हम, समाज सेवा करेंगे। आईएएस आईपीएस यूपीएस बन गए तो क्या करेंगे यूपीएससी की तैयारी करके भैया? यूपीएससी की तैयारी सर, आईएएस बनेंगे हम, समाज सेवा करेंगे। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपए से 1200 रुपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको अगर सच में अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर ज़रूर करिएगा, और ये चैनल आपका अपना है वीआईपी न्यूज़ टुडे, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले हमारी पहुँच जाए। धन्यवाद।